सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर थाना सत्रह के इलाका मोजासियान डस्का में याकूब मसीह की दुकान पर मसाला अफराद ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। सीसीटीवी की फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह हमला किया जा रहा है। जख्मियों की इयादत के लिए चेयरमैन मसीही तहरीक बेदारी डॉक्टर आदिल गौरी और शहजाद इमरान सोहतरा, सूबाई सदर मसीही तहरीक बेदारी ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल डस्का में जख्मियों की इयादत की और अंदराज मुकदमा को मुमकिन बनाया। गुज़श्ता दिनों याकूब मसीह के भतीजे और मुलजमान के दरमियान चर्च गेट के सामने खड़े होने पर झगड़ा हुआ था, जिसका मुकदमा पहले से दर्ज हो चुका है। यह हमला इसी रंजिश का नतीजा है। तहरीक बेदारी के रहनुमाओं ने DPO सियालकोट से यह मुतालबा किया कि मुलजमा को फेल फौर गिरफ्तार किया जाए, ऐसे शरपसंद अनासर को सख्त से सख्त सजा दी जाए और गरीब मसीही खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए।